सुनीता यादव नाम है, ग्राम करम डिहाबा। मारपीट किए थे? कौन कौन मारपीट किए थे? हरिचंद यादव, नितेश, उनका बेटा नितेश यादव, सब फाड़ दिए थे। थाना में केस किए बसंतपुर में, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये थाना में शिकायत आपने कब किया था? 19 तारीख को किए थे। तो क्या उनके द्वारा? 19 जून को, 19 जुलाई। उनके द्वारा क्या बोला गया? द्वारा कुछ नहीं बोला गया था। और शिकायत और आगे कहाँ कहाँ किए हैं आप लोग? हम बलरामपुर में एसपी साहब के पास किए थे। तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अभी आप क्या चाहती हैं? उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और यदि आगे की कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? और आगे जाके शिकायत हम लोग करेंगे। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताएं। सुनीता यादव बोल रहे हैं, करमडीहा बस से। कहाँ से? सुनीता यादव, करमडीहा बस से। करमडीहा से? हाँ जी, मैं 21 तारीख को अगस्त को किए थे। क्या बात है? शिकायत किए थे सर, तो कोई सुनवाई? क्या चीज का? मारपीट का था। कौन सा थाना का मामला है? बसंतपुर थाना का। बसंतपुर का जी। बसंतपुर कौन सा तारीख का? 21 अगस्त को बलरामपुर में किए थे। 21 अगस्त को? ठीक है, एसडीओ को बता दे रहे हैं। जी जी, कोई टीम आएगा। ठीक, ओके जी। बताएंगे। हमारा नाम मानिक चंद यादव, ग्राम करमड़ी है बा। मामला ये है मारपीट का। और हमारा भाई भतीजा से झगड़ा हुआ, मारपीट वो लोग हमको किए और गंजी वगैरह फाड़ दिए। और इसका शिकायत थाने में किए। थाने में शिकायत किए तो कार्रवाई, इसमें हमारा बहू सुनीता यादव भी साथ में थी, इसको भी मारपीट किए और इसका साड़ी वगैरह फाड़ दिए। और हरिचंद यादव और उसका बेटा नितेश यादव दोनों मिलकर हमको भी मारे हैं, गंजी वगैरह फाड़े हैं और उसको भी मारे हैं और साड़ी वगैरह फाड़े हैं। तो क्या थाने में जब शिकायत की थी तो क्या कार्रवाई अभी तक हुआ? थाने में शिकायत किए तो कार्रवाई तो तुरंत नहीं कर रहे थे, आजकल करते करते करीब 1 महीना लगा दिए। 1 महीना के बाद में कार्रवाई हुआ तो वो मेन दरोगा थे, वो बोल दिए कि ये लड़का नाबालिग है और ये सुनीता यादव का तो नाम नहीं लिए कि उनका केस नहीं बनता है। आप जैसा एप्लीकेशन दिए हो ना, उसके आधार से आप लोग में कोई धारा नहीं लगेगा उन पर। और तू अपना से अलग से वो आवेदन बनवा के कार्रवाई किए हम हरिचंद के प्रति। और ये नितेश यादव और हरिचंद यादव जो सुनीता को मारे थे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आप पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट तो नहीं हैं। तो आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई हो उन पर।